नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकल्स एनर्जी, और आपको आप दिखाने वाला हूँ वो पावर वॉल के साथ गैलेक्सी 6G 10 किलोवाट, और ये विक्रम का सारा पैनल जो है 26 पैनल है, ये सारा सिस्टम लगाने के साथ साथ यहाँ नेट मीटिंग भी करवा रहे हैं, मतलब फुल पैक आपको दे रहे हैं। आपको कुछ भी आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइब्रिड प्लांट तो लगा देते हैं लेकिन नेट मीटिंग नहीं लगता, या फिर लिथियम बैटरी नहीं लगता, या फिर अच्छा वाला पैनल नहीं लगता, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया वाला प्लांट लगा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा समझिएगा, और उसके बाद हमसे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको हम जरूर लगा के देंगे। और तब तक आपने जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वाटर पार्क है, एक्वा वाटर पार्क। वाटर पार्क के बाजू में ये शीश महल है, और इसी शीश महल पर हम ये पूरा एक कमर्शियल बिल्डिंग है, इसके हम लोग ये सोलर प्लांट लगा रहे हैं। और यहाँ जो प्लांट लगा रहा है वो पूरा हाइब्रिड प्लांट है। यहाँ पर लिथियम बैटरी लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम, मतलब पावर वॉल, जो सिलकोनी का पावर अभी बिहार में कहीं नहीं लगा, वो फर्स्ट टाइम यहाँ लगा रहे हैं। प्लस 10 किलोवाट का जो सिलकोनी गैलेक्सी इन्वर्टर आता है वो लगा रहे हैं। और यहाँ जो पैनल लगा रहे हैं ये विक्रम का 450 वाट वाला, जो पहले भी लगा चुके थे बहुत जगह, और यहाँ भी 450 वाट वाला लगभग 26 पैनल लगा रहे हैं। 26 पैनल मतलब हो गया 12 किलोवाट हो गया, क्योंकि आपका जो इन्वर्टर है 10 किलोवाट वाला उसमें कम से कम 13 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगभग 12 किलोवाट का टोटल साइज हो गया पैनल का, वो 12 किलोवाट हो गया। और ये इसलिए लगा रहे ताकि हमको कम से कम अगर 80% भी जनरेशन देगा तो कम से कम हमको 10 किलोवाट तो मिलेगा, मैक्सिमम जनरेशन की बात करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 12 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं। और उसके साथ आपको पावर वॉल जो फर्स्ट टाइम बिहार में लगा रहे हैं, पावर वॉल कैसे लगाना है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या सेटिंग है, कैसे कैसे दिखाई देगा उसमें, जो आपने और वीडियो में देखा होगा, तो आपको जस्ट बिहार में दिखा रहे हैं। अगर बिहार के कोई बहुत सारे लोग बिहार में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि कहीं लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, लगभग अभी हम लोग 7 जगह पावर वॉल लगाने जा रहे हैं, और सिर्फ गैलेक्सी के साथ, क्योंकि जो भी कंपेटेबल इन्वर्टर है, जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो तो लिथियम कंपेटेबल है ही नहीं, इसलिए जो हाइब्रिड वाला है वो लिथियम कंपेटेबल इन्वर्टर है, और गैलेक्सी के साथ लगा रहे हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा इसका इक्विपमेंट है वो समझना चाहते हैं, पूरा सिस्टम समझना चाहते हैं, तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी वीडियो हम डालते हैं वो मेरा अपना इंस्टॉल वीडियो रहता है, हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं वही वाला वीडियो डालते हैं, और उसी का इन्फॉर्मेशन हम देते भी हैं। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमसे अगर इंस्टॉल करवाते हैं, तो आपको हम सारा जो सर्विस है एक साथ देते हैं, चाहे नेट मीटरिंग का हो, चाहे हाइब्रिड का नेट मीटरिंग हो, या ऑन ग्रिड का नेट मीटरिंग का हो, या ऑफ ग्रिड प्लांट हो, या टीन सेट प्लांट हो। अभी हम लोग एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, अगर बड़ा प्लांट कहीं लग रहा है और आप लोग उसको सर्विस नहीं कर पाइएगा, तो वो जो सर्विस का जो टेंडर है वो हमको दे दीजिए, हम आपको वहाँ पर सप्ताह में या मंथली के बेसिस पे जो भी हम आप हमको बोलिएगा कि हमको मंथली के बेसिस पे सर्विस करके दीजिए, या सप्ताह में करके दीजिए, या महीना में करके दीजिए, तो उसको हम उस तरह का टेंडर ले लेंगे, और उस तरह का हम लोग आपको सर्विस भी करके देंगे, वहाँ पर अपना लड़का प्रोवाइड कर लेंगे। उस तरह हम अपने बिहार में, बिहार की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ बिहार हम नहीं कर पाएंगे, अभी हम बिहार में ये सारा चीज़ ऑन कर रहे हैं कि जहाँ इंस्टॉल करेंगे वहाँ हम सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो चार्जेबल रहेगा, आपका रिस्टोरेशन वो चार्जेबल सर्विस रहेगा। जैसे कि इसकी साफ सफाई करनी है, इसमें सर्विस क्या है, इसकी साफ सफाई करनी है, लेटेस्ट बैटरी रहता है तो उसमें क्या, उसमें जो सर्विस रहता है मात्र पानी चेंज करना रहता है, या फिर पानी को मतलब बदलना रहता है, या फिर अगर उसका गंदगी बैठ गया है तो साफ सफाई करना रहता है, तो ये मतलब जिस तरह का भी सर्विस रहेगा हम लोग वहाँ करके देंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा उसके साथ साथ। यहाँ जो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये पूरा हाई राइज में है, इसका सीधा मतलब है कि हमने जो अगला पाँव दिया है वो दिया है 7 फुट का, और जो पिछला पाँव है वो तो जनवे करते कि इससे बड़ा ही होगा। और यहाँ जो भी स्टैंड लगा रहे हैं वो एकदम लिक्विड लेवल से चेक करके दे रहे हैं कि एकदम सीधा सीधा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फास्टनर का प्रयोग किया है, क्योंकि कस्टमर ने यहाँ पे बोला है कि हमको फास्टनर का प्रयोग करके दीजिए, तो फास्टनर का प्रयोग किया है। और यहाँ ढलाई भी बहुत मजबूत करने वाले हैं, मतलब सिविल वर्क भी जो है यहाँ पर बहुत तगड़ा करने वाले हैं। और ये विक्रम का 450 वाट का पैनल, और इसी साल का बना हुआ है, 2022 का मैन्युफैक्चर्ड है ये। और देख रहे हैं यहाँ जो भी ये स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं सबके सब GI में है, और C चैनल है। स्ट्रक्चर पहले से डिजाइन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे साइट पे नाप रहे हैं और वह उसी पे डिजाइन कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि ये हम पूरा दोनों कोना नाप रहे हैं, क्योंकि एक साथ पूरा पैनल लगने वाला है, तो दोनों कोना से दोनों कोना को मैच कर रहे हैं, ताकि दोनों कोना का जो लंबाई हो दोनों सेम आना चाहिए। और जब भी हाई राइज की बात होती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, मतलब सीधा सीधा होना चाहिए, लिक्विड लेवल से हमेशा चेक करते रहना है। और यहाँ फास्टनर का अगर प्रयोग करने के लिए बोला है कस्टमर ने, तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा फास्टनर का प्रयोग किया है। और यहाँ जो फास्टनर लगाया है वो 10 mm का फास्टनर लगाया है, जो कि बहुत हेवी होता है। और यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर पहले पूरा रेडी कर लिए हैं, फ्रेम वर्क जब तक हमारा रेडी नहीं होगा तब तक हम इसको सोलर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये होल हिल डोल होगा और पूरा हाई राइज में है इसीलिए। और जब भी हाई राइज का स्ट्रक्चर हम लोग लगाते हैं तो उसमें हम लोग क्रॉस जरूर देते हैं, वो क्रॉस एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से बांधे रखता है और हिल डोल नहीं होने देता है।
अब जब हमारा फ्रेमवर्क रेडी हो गया है तो हम लोग सोलर लगाना स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ ध्यान दिए हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे और फ्रेमवर्क के टाइम पे कि बीच बीच में हमारा गैप हो, एयर कट का गैप होना चाहिए। और ये जो सोलर मॉड्यूल है इसके VOC के बारे में और IEC के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कई बार बता चुके हैं, बहुत सारा बार एक पैनल लगाए हैं, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं क्योंकि इसका डिमांड है, इसीलिए हम इसको रिपीट करते जा रहे हैं। और देख रहे हैं कि यहाँ मैंने क्रॉस जो देना था वो मैंने दे लिया है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब जब हमारा पूरा सोलर यहाँ इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ वायरिंग जो हमने किया है वो 13-13 का किया है क्योंकि हमारे पास डबल MPPT इन्वर्टर है, इसलिए 13-13 का सीरीज करके हमने दोनों पोर्ट को एक एक स्ट्रिंग दे दिया। और यहाँ जो मैंने सिविल वर्क किया है वो 1x1 फीट x 1.5 फीट का है, मतलब हाइट 1.5 फीट है। और यहाँ क्रॉस देने के साथ साथ मैंने इतना स्ट्रेंथ का बढ़िया से ख्याल रखा है और यहाँ जो सोलर लगाया है वो भी एकदम अप्रोप्रिएट वे में लगाया है ताकि कहीं से भी टेढ़ा बेढ़ा ना दिखे और जहाँ पे जितना नट बोल्ट लगना चाहिए और जिस जगह पे लगना चाहिए और अच्छे से टाइट होना चाहिए सबका बात का ख्याल रखा है। और जहाँ जो गैप देना चाहिए एयर कट का गैप है और जो स्लोप है उस सबका ख्याल रखा है। यहाँ जो स्लोप दिया मैंने वो 18 डिग्री का दिया है, चाहे ये ऊपर में दिया है या नीचे में, 18 डिग्री का है। और वो जो सामने वाला जो स्लोप है दिख रहा है वो पुराना वाला है, वो पहले से लगा हुआ था, उसका स्लोप 35 डिग्री है। तो लेकिन हमने यहाँ पे जितना भी सोलर पैनल लगाया है उसका वायरिंग भी एकदम अप्रोप्रिएट वे में किया है, कहीं से भी आपको वायर लटका फटका पर नहीं दिखे। बस पैनल को जो एक दूसरे में कनेक्ट किया है वहाँ पे बस अब टाई लगाना बाकी रह गया है, बाकी सारा का सारा कनेक्शन हमारा ओके हो गया है। और यहाँ जो नट बोल्ट भी दिया है वो पूरा का पूरा GI है, एल्यूमिनियम वाला नहीं दिया है, पूरा का पूरा GI में दिया है। और यहाँ का पाइप के थ्रू पूरा वायरिंग हुआ है। और यहाँ जो अर्थिंग किया मैंने वो प्रॉपर 3 अर्थिंग के साथ यहाँ पे लेके गए, एक लेके गए हैं लाइटिंग रेस्टर के लिए और एक लेके गए इसके स्ट्रक्चर के लिए और एक लेके गए प्रॉपर के प्रॉपर इन्वर्टर के लिए। और यहाँ जो मैंने क्रॉस दिया है ये दिया है GI का पट्टी है और यहाँ पे नट बोल्ट लगाया है और इससे क्या हुआ है कि एकदम टाइट पकड़ लिया है और ये पूरा GI है। और ये मेरा अपना डिज़ाइन है इसलिए बाकी लोग इसमें पर्लिन का यूज करते, लेकिन हम लोग यहाँ पे पट्टी का यूज किया क्योंकि ये बहुत मोटे गेज का होता है, कम से कम 6 mm का रहता है ये। और पानी के टंकी के ऊपर जो मैंने 4 पैनल लगाया है, इस चारों पैनल का जो वायरिंग है एक पोर्ट तो चला गया डायरेक्ट इन्वर्टर के पास और एक जो इसका जो वायर बच गया वो पाइप के थ्रू आ करके डायरेक्ट हमारा इससे होल करके मैंने ले गया और ये जो प्लांट लगाया है इसमें जोड़ दिया है, इसके साथ उसका सीरीज कर दिया है। ऊपर में तो 4 पैनल लगा दिया था लेकिन यहाँ पे मैंने 22 पैनल लगाए हैं और 22 पैनल में से 13 का एक स्ट्रिंग बनाया था और उसके बाद जो स्ट्रिंग बच गया था उसको ऊपर वाले के साथ जोड़ करके नीचे में ले गया था। यहाँ हम लोग 4th माले पे हैं और यहाँ से 2 अर्थिंग का वायर जो आया है वो पूरा का पूरा एक चला गया है हमारे लाइटिंग रेस्टर के लिए और दूसरा चला गया है इन्वर्टर के लिए और जो तीसरा है वो बॉडी अर्थ के साथ हम इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ लगा दिए हैं। और यहाँ पूरा के पूरा पाइप के थ्रू देख रहे हैं कहीं से भी अब जो खास करके जो अर्थिंग का जो वायर है वो चला गया है हमारा पूरा के पूरा पाइप के थ्रू। और इसका जो स्ट्रिंग बना के लेके गया है उसका भी आगे से हमने पाइप के थ्रू निकाल के लेके गया हुआ है। अब हम इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं और यहाँ पे पहले हमको देखना है कि जगह किस तरह का दिया गया है, किस तरह हमको जगह मिला है और यहाँ पे हर चीज़ हमको एडजस्ट करना है क्योंकि इन्वर्टर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, पावर वाल का भी साइज़ बड़ा है और उसके बाद सर हमारा SPD लगाना है, उसके बाद वायरिंग भी लाना है। तो ये सारा कुछ करते हुए हमने सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, लगा लिया है। अब हम वायर टाइट करने वाले, अब यहाँ पे टाइट करने खास करके क्या बैटरी वायर, चूँकि हमारा पावर वाल जो है हाई एम्पियर यहाँ से लोड लेने वाला है और इन्वर्टर के साथ जो पहले से बैटरी वायर लग के आया था उसको तो हमने खोल दिया है क्योंकि वो हमारे पावर वाल में फिट नहीं बैठ रहा था, पावर वाल का जो वायर अलग है। तो यहाँ पे पावर वाल का जो बैटरी का जो वायर था वो हमने यहाँ लगाया है, तो बढ़िया से टाइट रखना है, लूज नहीं होना चाहिए वरना स्पार्क मारेगा और जला देगा क्योंकि यहाँ से हाई एम्पियर जाने वाला है। और उसके बाद ये बाकी वायर को हमको तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी हमको लग के मिलता है, कुछ नहीं करना है। हमारा AC बॉक्स है, उस AC बॉक्स में इसका वायरिंग कर लेना है सीरियल देख करके, RST और न्यूट्रल ये सारा कुछ देखते हुए हमको वायरिंग कर डालना है और उसमें कुछ भी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। और जो अर्थिंग है वो पहले से ही यहाँ पे कॉमन किया हुआ है और हम AC DC बॉक्स से इसको अर्थिंग दे ही रहे हैं। अब बस यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा वायर बच गया है उसको हमने यहाँ पे बढ़िया से मेर लिया है, अलग से काटने कस्टमर बोला कि हमको उसी में डाल के रख दीजिए, कभी क्या पता कुछ चेंज करना पड़ा इसके वजह से। और यहाँ पे जो बैटरी वायर हमने कनेक्ट कर लिया था इन्वर्टर में, अब इसको पावर वाल से भी कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमारा जो पूरा सिस्टम है अब रेडी हो गया है, सिर्फ इसमें हमको ऑन करना बाकी रह गया है और उसके बाद इसका जो BMS कनेक्टिविटी है वो हमको लगाना बाकी रह गया है, बाकी हमारा पूरा का पूरा जो है सिस्टम का जो वायरिंग है वो हमारा ओके हो गया है।
अब इसको सारा कुछ आपको ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ जो स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर पे हमारा पूरा बैटरी का जो सीरियल नंबर वो लिखा रहता है, उसका रेटिंग लिखा रहता है, और यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा जो बैटरी है 5 किलोवाट का है, 48 वोल्ट एंड 100 एम्पियर में है। और यहाँ पे हमारा पूरा इन्वर्टर का जो रेटिंग है वो लिखा हुआ है, इसमें कितना इसका VOC ISC है। हमारा इस इन्वर्टर का जो VOC है वो, क्योंकि ये 12 किलोवाट है तो यह इसका जो VOC है वो 160 वोल्ट से 1000 वोल्ट देता है। और यहाँ पे डबल MPPT है, इसके वजह से इसका जो पहला जो स्ट्रिंग है PP1 है, ये हमको जो ISC इसका जो मिलता है वो 26 एम्पियर है, और जो PP2 का जो ISC है वो मात्र 13 एम्पियर है। इसलिए यहाँ पे जो एक पोर्ट में मतलब पैरेलल करने के लिए देता है। और यहाँ पे हमारा बैटरी जो अभी ऑफ है मोड में है, अब उसको हम ऑन करेंगे। और ये जो हमारा बैटरी वायर जो लगा हुआ है ये लूज रहता है क्योंकि फ्रीली रहता है, लेकिन इसका जो कोर है वो बढ़िया से टाइट रहता है, उसको हमको कोई संशय नहीं करना है कि इसमें लूज तो नहीं है। और इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ जो RST है इसमें एक स्विच है, उस स्विच को जब हम कम से कम 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन होगा। लेकिन उससे पहले हम पहले यहाँ पे सोलर का जो वायर है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला में डालेंगे PV1 में, और दूसरा बार डालेंगे PV2 में डालेंगे, ठीक है। PV1 के किसी भी एक स्ट्रिंग में डालेंगे और बाकी जो डालेंगे दूसरा PV2 में। लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्लस कौन सा माइनस कौन सा है, तो इस तरह से, और कितना वोल्टेज अभी हमको मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि एक स्ट्रिंग से हमको आ रहा है 575 वोल्ट, एंड वही दूसरे स्ट्रिंग में अगर हम चेक करते हैं तो हमको दूसरे स्ट्रिंग में मिल रहा है 579 वोल्ट। मतलब दोनों स्ट्रिंग से हमको लगभग सेम ही मिल रहा है। तो दोनों स्ट्रिंग को एक एक PV1 और PV2 में हम इसको इन कर लेंगे, और यहाँ से हमारा सोलर मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको जो यहाँ जो इन्वर्टर को हमने खोल रखा था उसको पहले ढक्कन को पूरा बढ़िया से लगा लेना है, और क्योंकि चालू करने से पहले इस ये ढक्कन लगाना जरूरी है, क्योंकि शॉक मारेगा भी तो सिर्फ यहीं पर मार सकता है, उसके अलावा बाकी जितना भी इसका पूरा बॉडी है पूरा शॉक प्रूफ है। और ये हो गया ब्रश, सोलर का ब्रश है, सोलर को साफ सफाई करने के लिए ये ब्रश हम हर जगह देने वाले हैं, क्योंकि जहाँ भी आप बड़ा प्लांट लगाते हैं वहाँ पे ये देते हैं। और ऐसे अगर कोई हमसे लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 7000 रुपया, तो आप हमसे ले सकते हैं। और बाकी जहाँ भी हम बड़ा प्लांट 10 किलोवाट से ऊपर का प्लांट लगाते हैं वहाँ पर हम फ्री में देते हैं। और इससे क्या होगा कि आपको साफ सफाई करने में सोलर का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें पानी का फोर्स भी है और प्लस में ब्रश लगा हुआ है, इसमें सारा कुछ है, आपको बस एक इसको फिट करना है और एक बार सप्ताह में इसे साफ सफाई कर देना है। आपको कोई कपड़ा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, पोछ पाछ करने की जरूरत है। यहाँ से BMS की कनेक्टिविटी हो गई, BMS कनेक्टिविटी करना जरूरी है, चूँकि ये तार छोटा था तो हमको नया बना के लाना पड़ा है। बस जैसा तार था उसी तरह से ये तार बना के लाना पड़ा है, BMS का कनेक्टिविटी हो गया है। इसका जो कनेक्शन किए हम लोग यहाँ से लिए हैं, इसको हम जोड़ दिए हैं RS485 से, और इसको डाल दिए हैं डायरेक्ट। इस जो ये जो BMS लिखा हुआ है उस BMS में हम डाल दिए हैं, तो इससे हमारा जो बैटरी है वो अच्छे से कम्युनिकेट करने लगा है इन्वर्टर को। अगर ये नहीं देते हैं तो ये कम्युनिकेट नहीं करते, बार बार बैटरी छोड़ेगा, यानी कि मतलब स्मूथ काम नहीं करेगा। अब देखते हैं कि कनेक्टिविटी हो गया है कि नहीं हुआ है। जब भी हमको इन्वर्टर को अगर रीस्टार्ट करना होता है, अगर इनकेस कोई फॉल्ट आता है और रीस्टार्ट करना रहता है, तो हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में फिर से आपको बताते चलते हैं। ये इन्वर्टर है, ये सब ऑफ है, यहाँ से MCB भी पूरा का पूरा ऑफ है, क्योंकि इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। अभी BMS कनेक्ट किए हैं, इससे पहले BMS कनेक्ट नहीं किए थे, तो अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले DC ऑन करेंगे। ये जो अपना DC है ये सोलर का है, इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो हमारा लाइट आ जाएगा यहाँ पे। जब तक ये लाइट नहीं आएगा और बैटरी पूरा शो नहीं करेगा, तब तक हम इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जैसे देखिए, जैसे ही बैटरी इंडिकेट करेगा, कितना देर में इंडिकेट करता है वो भी देखना जरूरी है। तो लगभग अब इंडिकेट आ गया है, बैटरी आ गया है, बैटरी इंडिकेट हमको कर दिया है। अब हम इसका जो सोलर है, इसका अब इन्वर्टर का जो स्विच है, इसको हम ऑन कर देंगे। तो ये हमारा जो इन्वर्टर है वो रेडी हो गया, ऑन हो गया है। अब क्या करेंगे, 1x1 करके इसका जो स्विच है वो ऑन करेंगे। पहले तो लाइट का ऑन करेंगे, ठीक है, जो इनपुट दे रहे हैं हम, इनपुट ऑन कर दिए, इनपुट हमारा चला गया, हमारा AC जो है इंडिकेट कर दिया, AC आ गया है हमारा। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, और जब तक ये कम्युनिकेट नहीं करेगा एक दूसरे से, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो बैटरी है कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है, और अभी सोलर और जो ग्रिड है वो भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अभी तक तो नहीं आया, और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों का कहना था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो आज हम लाइव दिखाने वाले हैं कि कितना टाइम ले रहा है।
सोलर का कम्युनिकेशन जो है आ गया है, चूँकि अभी 6:30 बज गया है तो इस टाइम पे तो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा नहीं, तो सोलर का कम्युनिकेशन जो है स्मूथली आ गया है। अब इसमें कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं है। अब जैसे कल हो रहा था, मतलब पावर आ रहा था छोड़ रहा था, आ रहा था छोड़ रहा था, उस तरह से आज नहीं है, मतलब बिल्कुल स्मूथ हो गया है, चूँकि BMS का कनेक्टिविटी हो गया है इसलिए, और अभी ग्रिड का नहीं आया है। अभी ग्रिड का नहीं आया, जब तक ग्रिड का नहीं आएगा तब तक हम इसका लाइट ऑन नहीं करेंगे। ओके, अभी हमारा जो सिस्टम है पूरा रेडी हो गया है, चूँकि BMS का कनेक्टिविटी नहीं था, इसी वजह से इशू आता है। तो जैसे कि कोई नॉर्मल बैटरी आदमी कोई लगाता है, या मतलब कहीं से भी लिथियम बैटरी ले लेता है, और BMS का कनेक्टिविटी अगर इन्वर्टर से नहीं होता है तो जनरली इशू आता ही है। लेकिन यहाँ जैसे ही BMS का कनेक्टिविटी किया है हमने, तो देख रहे हैं एकदम स्मूथ हो गया है। पहले कुछ इसमें प्रॉब्लम था, लेकिन अब ये स्मूथ हो गया है, और अब देख रहे हैं कि पूरा परसेंटेज में। अब इसका आपको सेटिंग के बारे में बता देते हैं। तो पहला सेटिंग जो करना है, अगर जैसे कि ये अगर इन्वर्टर लगाए और ये अगर पावर वावर लगाते हैं, तो इसमें पहला सेटिंग करना है बैटरी का। अगर जब तक BMS नहीं लगा हुआ है, और अगर मान लेते हैं कोई अगर लेड एसिड बैटरी है, तो इसको वोल्टेज पे सेट करना है, वोल्टेज के अनुसार ये सब सारा कुछ होगा। लेकिन जैसे ये हमारा अगर पावर वाल लग गया है, तो पावर वाल के अनुसार लिथियम पे सेट करना है, और जो कैपेसिटी है हमारा वो कैपेसिटी फुल रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। इसे ये लिथियम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये जो एम्पियर है, और मैक्सिमम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हमको ऐसे डिस्चार्जिंग थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, और चार्जिंग कम रखना है, क्योंकि डिस्चार्ज कभी कभी लोड ज़्यादा चलने लगता है। तो ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जितना ही भी रहेगा इसका, जितना मैक्सिमम है उस पर टच करके उसको मैक्सिमम ही कर देंगे, ये मैक्सिमम। लेकिन उसको हम 15 पे, इसको हम 120 पे सेट कर देंगे जितना करना है हमको, लेकिन इसको मैक्सिमम रखना है, 100 के आसपास रखना है, क्योंकि हो सकता है कभी ज़्यादा लोड चलाना पड़ जाए तो ज़्यादा एम्पियर से भी ये ड्रेन कर सकता है। लेकिन चार्जिंग का एक फिक्स कर दिए हैं कि 30 से 40 ही रखना है, ठीक है, 30 एम्पियर से 40 ही रखना है, और उसके बाद एक्टिव बैटरी, ठीक है, इसको क्लिक करके इसको सेव करके बाहर निकल जाना है, फिर बैटरी सेटिंग में जाना है इसका सेकेंड पेज में। और यहाँ पे जो लिखा है कि स्टार्ट, तो स्टार्ट रखना है कितने पे, 90% पे, मतलब 90% तक यूज करेगा, 10% उसको सेव रखना है। अब बाकी जो जितना सिग्नल है ये सब एज इट इज रहेगा, मतलब क्लिक रहेगा, उसके बाद सेव करके निकल जाएंगे, फिर बैटरी सेटिंग में जा करके इसके थर्ड पेज में जाएंगे। थर्ड पेज में क्या करना है, ये जो लिथियम मोड है इसको कुछ नहीं चेंज नहीं करना है। यह जो शट डाउन है, शट डाउन को या तो 10% या 20% या 15% जितना पे रखना है। अब मतलब जितना पे इसको चार्ज करना है, मतलब जितना मतलब बैटरी सेव करके रखना है उतना पर रख करके, जैसे कि मैंने यहाँ 15% रखा है, आप 15% भी रख सकते हो, 20% भी रख सकते हो, या 10% भी रख सकते हो। उसके बाद लो बैटरी, आप इससे थोड़ा सा बढ़ा करके रखिए, क्योंकि लो बैटरी दिखा दे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिस्चार्ज होते होते हुए इतना पर जाके 15% पर आकर के बंद हो जाए। लो बैटरी दिखा दे फिर भी लाइट फैन चलता रहे, लेकिन जैसे ही 15% पर आएगा तो वो बंद हो जाएगा। ओके, और रीस्टार्ट जो है, जब लो बैटरी दिखाएगा उसी टाइम पे रीस्टार्ट भी हो जाए, मतलब चार्ज करना शुरू कर दे, तो ये दोनों हो सके तो सेम रखें, या थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको सेव करके हम निकल गए। उसके बाद सिस्टम वर्क मोड में, चूंकि हमारा अभी नेट मीटिंग नहीं हुआ है और 12 किलोवाट का सिस्टम है, तो ये 12 किलोवाट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस 0 एक्सपोर्ट टू लोड कर देना है, क्योंकि हमको सीटी यहाँ नहीं लगाना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीटी नहीं लगाए हैं। अब लोड को 0 एक्सपोर्ट कर देना है, मतलब जितना लोड चलेगा और जितना बैटरी चार्ज करेगा उसी उतना ही पावर जनरेट करेगा, बाकी जनरेशन नहीं करेगा, तो 0 एक्सपोर्ट टू लोड कर देना है, और यहाँ जो क्लिक रहेगा उसको हटा देना है। उसके बाद ये बैटरी को फर्स्ट बैटरी फर्स्ट करना है या लोड फर्स्ट करना है, वो सब सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है, ठीक है। इसका मोड कंप्लीट हो गया, अब इसमें हमको कुछ हिसाब नहीं करना है। अब हमको जाना है जेन पोर्ट में, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा स्मार्ट लोड जो है वो उसको ऑन करना है, और इसको ऑन कर दिए, टच कर दिए, और ग्रिड ऑलवेज ऑन, ग्रिड को ग्रिड का जो पावर है इसमें देना है, इसलिए ग्रिड जो है ऑलवेज ऑन कर दिए। और उसके बाद ऑन ऑफ, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं 50% पे, और ऑन कर देते हैं 60% पे, ठीक है। तो इसको हम 60% पे सेव कर देते हैं, सेव कर दिए, मतलब कि ऑन ऑफ इसको स्टार्ट कर दिए। ये ऑन ऑफ किसके लिए है, स्मार्ट लोड के लिए है, कि स्मार्ट लोड कितने पे ऑन होना चाहिए, कितना तक रहेगा तो ऑन रहेगा, और 60% तक रहेगा तो ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही 50% पे जाएगा ये स्मार्ट लोड को कट कर देगा, जो हेवी लोड है, स्मार्ट लोड मतलब हेवी लोड है, उसको ये कट कर लेगा, और सिर्फ नॉर्मल लोड को चलाता रहेगा। तो इसका सेटिंग आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अनुसार, कितना बैटरी आपको सेव रखना है, कितना नहीं रखना है, तो उसके अनुसार यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। ये स्मार्ट लोड के लिए है, ओके।
कई जगह दिक्कतें आई हैं कि अगर यहाँ पे सेटिंग ठीक से नहीं होता है तो कभी कभी होता है क्या कि यहाँ जो स्मार्ट लोड दिखा हुआ है, ये जो स्मार्ट लोड लिखा हुआ है, इसके इनपुट में लाइनें नहीं आता है, तो बोलता है कि इसमें तो लाइन आ रहा है, नॉर्मल में स्मार्ट में क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सारा सेटिंग कहाँ से होता है, स्मार्ट लोड का यहाँ से होता है। अगर यहाँ से अगर आपने सही सेटिंग किया है, क्योंकि बैटरी को उसको सेव रखना है, टोटली डिपेंड है जो स्मार्ट लोड है वो बैटरी पे है, तो अगर बैटरी को जितना सेव रखेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो इस तरह से इसका सेटिंग कर लेंगे, इसको बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा पूरा के पूरा सेटिंग हो गया है, उसके बाद अगर कुछ बेसिक सेटिंग रह गया है, जैसे टाइम एंड डेट कुछ भी है, तो यहाँ से आपको सेटिंग कर लेना है और इसको फिर से बाहर निकल कर एस्केप करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद अगर कभी कुछ फॉल्ट आता है, अभी दिखा रहा है कि इसमें कुछ फॉल्ट है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि हमको ये किस टाइप का फॉल्ट है, तो मैनुअल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ जो लिखा हुआ है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, वहाँ जाना है और देखना है कि किस टाइम पर कौन सा फॉल्ट आया है। ठीक है, यहाँ पे सब दिखा रहा है कि किस टाइम पे कौन सा फॉल्ट इंडिकेट हुआ है। तो इसमें दिखा रहा है कि इतना बजे सब टाइमिंग है कि इसमें कौन सा फॉल्ट आ रहा था। तो इसमें दिखा रहा है कि इसमें जो फॉल्ट आ रहा था W03 करके फॉल्ट आ रहा था, और उसका मतलब क्या होता है, ग्रिड फेज रॉन्ग, मतलब कोई ना कोई जो ग्रिड का जो इसमें इनपुट दिया है हमने, इसमें जो ग्रिड का इनपुट दिया है इसमें कोई ना कोई फेज जो है रॉन्ग है, नीचे से सही आया है लेकिन ऊपर में उल्टा पुल्टा हो गया है। तो उसको क्या करना है, दो फेज कोई भी चेंज कर देना है, मतलब वो ठीक हो जाएगा। एक चीज़ का दिक्कत आता है कि ये जो स्मार्ट लोड लिखा हुआ है, ये स्मार्ट लोड यानी कि कभी कभी नहीं शो करता रहता है, और ये किस लिए नहीं शो करता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो बैटरी है यहाँ पर जो स्मार्ट लोड में जो आपका जो बैटरी का जो अपने सेटिंग कर रखा है कितना पे ऑन ऑफ, ये आपका ठीक से सेटिंग नहीं हुआ होगा, या फिर बैटरी आपका इतना से कम चार्ज होगा तो इसके वजह से भी वो ऑन नहीं होता है। क्योंकि स्मार्ट लोड तभी चलेगा जब आपका बैटरी का सेटिंग इसके अनुसार रहेगा और इसके अनुसार आपका बैटरी रहेगा। ठीक है, अगर 50% चार्ज है तो उतना पे वो ऑफ ही दिखाएगा, या अगर 60 से ऊपर है तो ऑन दिखाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है स्मार्ट लोड जो है यहाँ पे ये जो इंडिकेट कर रहा है वो डिपेंड करता है वहाँ से। ठीक है, और अभी देख रहे हैं कि हमारा सोलर बिल्कुल ऑफ हो गया है, तो जो लोड चल रहा है वो स्मूथली चल रहा है, किससे, हमारा पूरा का पूरा ग्रिड से चल रहा है, और उसके साथ साथ बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही लाइट यहाँ कट जाता है, बैटरी से हमारा जो पूरा लोड है उसको चलाना शुरू कर देता है, और बिना फ्लक्चुएशन के। और इस पर एक टोटल कनेक्ट है, यहाँ से ये लिफ्ट कनेक्ट है, ये पूरा लिफ्ट कनेक्ट है, क्योंकि ये थ्री फेज का लिफ्ट है, थ्री फेज का मोटर लगा है 5 HP का, तो उसी के अनुसार यहाँ पे थ्री फेज का कनेक्शन कर दिया गया है। और इनके घर का पूरा लगभग 5 AC है। AC कितना कनेक्ट है इसमें, 6 AC हमको बोला गया था, 6 AC कनेक्ट है इसमें, और उसके साथ पानी का मोटर है और गीजर है। ठीक है, 4 टन का गीजर है, ये सारा कुछ इस पर कनेक्ट है। पावर वॉल के बारे में बताने वाला हूँ, ये पावर वॉल का तो लग गया है, सब कुछ दिख रहा है आपको कि हाँ पूरा रेडी हो गया है, लेकिन इसके अंदर का इन्फॉर्मेशन कैसे हमको पता करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है जैसे ही इसको टच करेंगे कोई भी बटन तो हमको ये दिखाई देगा। तो इसके बाद यहाँ पे दिखा है सेल वैल्यू अगर चेक करना है तो इसको इंटर डालेंगे, कुछ भी हमको क्लिक करना है तो इंटर डालेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल जो वैल्यू है वोल्टेज में वो कितना है, 49.2 वोल्ट है, मतलब लगभग ये 70% चार्ज है। और उसके बाद यहाँ जो अभी चूंकि लाइट कट गया है तो कितना एम्पियर से लोड चला रहा है घर का, ये 14 एम्पियर से ये पूरा घर का लोड जो है चला रहा है। और इसका टेम्परेचर क्या है अगर वो देखना है तो फिर से इंटर डालेंगे तो हर सेल का टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, कि अभी ये कितना गर्म है, इसके अंदर का जो सेल हो कितना गर्म है वो दिखा दिया। हर सेल का टेम्परेचर देखने के बाद इसको हम फिर से एस्केप के बाहर निकल जाएंगे। अब इसका फिर से डाउन जाएंगे, उसके बाद सेल वॉल्यूम से मतलब हर सेल का कितना अभी वोल्टेज है वो देख सकते हैं। इसके लिए फिर से इंटर डालेंगे, पहला सेल का इतना वोल्टेज आ रहा है अभी, सब मतलब कितना चार्ज है वो दिखा रहा है, और उसमें डाउन करके सबका चेक कर सकते हो, टोटल 15 का। उसके बाद इससे फिर एस्केप करके बाहर निकले, और इसके बाद फिर डाउन करके गए कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन में, तो कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे इंटर डाले तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो भी बैटरी है वो है 71% चार्ज है। ठीक है, और यहाँ से अभी हम 100 एम्पियर का जो बैटरी है हमारा, इससे हम कितना भी एम्पियर ले सकते हैं, 71 एम्पियर हम ले सकते हैं, 71 एम्पियर हम यूज कर सकते हैं। और हमारा जो लाइफ साइकिल मतलब इस अभी जो साइकिल है इस बैटरी का वो कितना है, 0 है, क्योंकि अभी नया लगा है, जस्ट लगा, इसलिए पूरा 0 दिखा रहा है। ओके, अब ये देख लीजिए, उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे।
उसके बाद हमको जो भी चेक करना है इसी तरह से हमको इस यहीं से बटन से चेक कर सकते हैं। और अगर ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये जो इंडिकेशन है ये पूरा यहाँ पे फुल दिखा देगा। और अभी 70% चार्ज है, इसलिए तीसरा भी दिखा रहा है और ये भी चार्ज हो रहा है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा जो पार्ट वन है वो कंप्लीट होता है और पार्ट टू बहुत जल्द अपलोड करेंगे। उसमें बहुत सारा कंटेंट डालने वाले हैं नेट मीटिंग से रिलेटेड और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन और लोअर टेस्टिंग के साथ साथ बहुत सारा कुछ। तो तब तक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर दबा के कीजिएगा। और ये जो हमारा नंबर फ्लैश करता हुआ दिख रहा है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।